Good morning, students. Today in this history class, we learn about a later period of Roman Empire that is called the Late Antiquity. Okay, this term is used for a phase in the Roman Empire, which is the later phase. Okay, this is also a phase when a lot of advancement took place, a lot of innovations took place. In fact, it is called you can refer it to as the golden age of Roman Empire. ये लेट एंटीक्विटी वो फेज है रोमन एम्पायर का जो कि बाद में आया, बाद का फेज है, और इसमें बहुत तरक्की हुई आर्किटेक्चर में, कल्चरल फील्ड में, इकोनॉमिक एक्सपेंशन हुआ और कई सारे इसमें इनोवेशंस हुए, और इसीलिए इसको हम एक गोल्डन एज ऑफ रोमन एम्पायर भी कह सकते हैं. सो ये रोमन एम्पायर को जो हम दो फेज में बांटते हैं, वन इज द अर्ली एम्पायर एंड द लेट एम्पायर. तो ये लेट एम्पायर को हम लेट एंटीक्विटी कहते हैं. ओके, तो हिस्टोरियंस ने ये वर्ड यूज़ किया है रोमन एम्पायर के उस आखिरी फेज के बारे में. इस फेज में रोमन एम्पायर टूटता भी है, उसकी नई कैपिटल थी, दूसरी कैपिटल भी बनती है, बट उसके रीजंस हैं. ओके, एंड ये एम्पायर इस एरा में बहुत प्रॉस्पर किया, उसी के बारे में है. सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन के लेट एंटीक्विटी क्या है जो आपके बुक में दी गई है. ओके, इट इज़ द टर्म नाउ यूज, पहले नहीं यूज होता था, लेकिन अब हिस्टोरियल सिस्टम को यूज करते हैं. क्या डिस्क्राइब करने के लिए? टू डिस्क्राइब द फाइनल फैसिनेटिंग पीरियड इन द इवोल्यूशन ऑफ रोमन एम्पायर. रोमन एम्पायर इवॉल्व हुआ, ये काफ़ी लंबे समय का एम्पायर है. शुरू में जो था धीरे धीरे बदलते गया, उसमें बहुत सारी नई चीज़ें आती गई, और ये फाइनल स्टेज में जाकर इसमें बहुत नए बदलाव हुए, बहुत नए चेंजेस हुए, बहुत तरक्की की रोमन एम्पायर ने. तो ये उस फेज के लिए ये टर्म यूज़ होता है लेट एंटीक्विटी. तो लेट एंटीक्विटी एक पीरियड, एक टाइम पीरियड के बारे में है रोमन एम्पायर के, जो कि बाद में आया. ओके, इसकी शुरुआत अगर हम कहें कि कब से हुई, तो डायक्लोटियन एक एम्परर थे और जिनका रूल है फ्रॉम 284 CE टू 305. तो 284 में एक रूलर हुआ डायक्लोटियन, एंड दिस रूलर इन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए और यहाँ से काफ़ी बदलाव आए, इसीलिए हम यहीं से लेट एंटीक्विटी की स्टार्ट मानेंगे. जो फेज हम जो पढ़ रहे हैं उसकी शुरुआत हम मानेंगे 284 CE, और ये तो खैर डायक्लोटियन का रूल है 305. तो ये इस एरा में, ये फोर्थ सेंचुरी के शुरुआत से हम इसको मानेंगे. इसमें क्या क्या हुआ, डायक्लोटियन ने क्या क्या इसमें चेंजेस किए, पहले तो वो देख लेते हैं. उनके रूल के बाद ये ख़त्म नहीं हो जाता है, उसके बाद कई रूलर्स आए, और ये जो फिनोमेना, ये जो शुरुआत हुई थी, ये कंटिन्यू होते रहे और आगे भी ये चेंजेस आते रहे. ओके, बट पहले देख लेते हैं कि इस फेज की शुरुआत क्योंकि डायक्लोटियन के रूल के समय हुई है, तो उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए. कई सारे चेंजेस किए, मेन चेंजेस हम डिस्कस कर लेते हैं. ही अबैंडन्ड टेरिटरीज ऑफ लेस इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस. नाउ ये लग रहा होगा एक नेगेटिव पार्ट के, रोमन एम्पायर पहले बड़ा था फिर छोटा हो गया, लेकिन ये टेरिटरीज की उन्हें इतनी ज़रूरत नहीं थी. बहुत सारी टेरिटरीज ऐसी रोमन एम्पायर में आ गई थी जो कि बस थी, लेकिन उससे कोई इकोनॉमिक फ़ायदा नहीं हो रहा था रोमन एम्पायर को. लेकिन क्योंकि वो रोमन एम्पायर के अंडर में थे, उनकी सिक्योरिटी करनी पड़ती होगी, बाकी उनको देखना तो पड़ता ही होगा. सो डायक्लोटियन ही थॉट कि देयर इज नो पॉइंट ऐसी टेरिटरीज को अपने एम्पायर में इंक्लूड करने का जिसका, जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है, और ऐसे टेरिटरीज को छोड़ दिया गया. कोई रोमन एम्पायर का साइज बहुत बड़ा था, इनफैक्ट जितना एक्सपेंड करना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा एक्सपेंड कर चुका था. तो ज़रूरत थी कि कुछ जो बेकार के इलाके हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है उन्हें निकाल दिया जाए. डायक्लोटियन ने ऐसा ही किया, उन्होंने उन एरियाज़ को अपने एम्पायर के बाहर निकाल दिया जिसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस नहीं थी, जिससे कि रोमन एम्पायर को कोई कमाई, कोई बेनिफिट नहीं होता था. ये पहला स्टेप उन्होंने किया. बाकी जो रोमन एम्पायर बचा, उसके फ्रंटियर्स के, उसके बाउंड्रीज को उन्होंने फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया. वॉल बनाना, फोर्ट से घेरना, सेफ सिक्योरिटी, ओके, जितना है जो इलाका उन्हें ठीक नहीं लगा उसे निकाल के बाकी को उन्होंने फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया. सो ही फोर्टिफाइड द फ्रंटियर्स. ओके, फ्रंटियर्स मीन्स बॉर्डर्स, उन्हें फोर्टिफाई करना शुरू किया. ही सेपरेटेड सिविलियंस फ्रॉम मिलिट्री फंक्शंस. सिविलियंस का काफ़ी रोल था, अगर हम देखें तो सेनेटर्स का रोल होता था, सेनेटर्स मिलिट्री फंक्शंस में उनका भी रोल था,
कई सारे सिविलियन लोगों की दखलंदाजी थी, जैसे अगर हम अभी कहें कि गवर्नमेंट के कोई पॉलिटिकल लोग हों और वो मिलिट्री में दखल दें तो मिलिट्री ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगी। ओके, तो इसी तरह से हम यहाँ पे जो सिविलियंस हैं उनको मिलिट्री के फंक्शन से दूर कर दिया गया, मतलब कि मिलिट्री और पावरफुल हो गई, सारा पावर मिलिट्री के कमांडर्स के हाथ में था, उन्हें किसी सेनेटर या किसी सिविलियन की सुनने की ज़रूरत नहीं थी और वो अब और पावरफुल हो चुके थे। इन शॉर्ट इस एरा में मिलिट्री ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी। ओके, ही इंट्रोड्यूस सॉलिडस। सॉलिडस एक गोल्ड कॉइन का नाम है और जो कि 4.5 साइज कितना है, 4.5 ग्राम ऑफ प्योर गोल्ड, 4.5 ग्राम का प्योर गोल्ड का कॉइन उस समय चलन में आया और ये बहुत सारे मिंट किए गए। मिंट मीन्स बनाना, जैसे नोट को छापते हैं प्रिंट करते हैं वैसे ही कॉइन्स को मिंट करते हैं, तो कॉइन्स को इनको मिंट किया गया। ये गोल्ड के कॉइन्स थे, हर कॉइन का जो वेट था वो 4.5 ग्राम था और इस कॉइन का नाम है सॉलिडस, सॉलिडी। ओके, सॉलिडी वर मिंटेड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल एंड देयर सर्कुलेशन रैन इन टू मिलियंस, 1 मिलियन 10 लाख होता है, तो ये बहुत सारे कॉइन्स उस समय प्रिंट और उस समय मिंट हुए और इनका चलन हुआ, मतलब प्रोस्पैरिटी। अगर गोल्ड किसी की करेंसी है, लोगों के हाथ में इतना गोल्ड है तो फिर इकोनॉमिक एक्सपेंशन, इकोनॉमिकली वो बहुत पावरफुल रहेंगे। इसमें एक और जो इनोवेशन हम देखते हैं, द अदर एरियाज ऑफ इनोवेशन वॉज द क्रिएशन ऑफ अ सेकेंड कैपिटल, वो तो था ही, और एक और कैपिटल बनी वो था कॉन्स्टेंटिनोपल। ओके, इनफैक्ट एम्पायर ब्रेक कर गया था ईस्टर्न एंड वेस्टर्न उसमें, जिससे कि वो अच्छी तरह से रूल हो पाए, बहुत बड़ा हो चुका था और एक और नए कैपिटल की जरूरत थी और वो बाइजेंटियम एक सिटी हुआ करती थी और वहीं पर एक नई कैपिटल बनी कॉन्स्टेंटिनोपल। The second capital of Constantinople at the site of modern Istanbul, जो अभी इस्तानबुल है, टर्की की कैपिटल है इस्तानबुल, ये पहले कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ करता था एंड प्रीवियसली इट वॉज कॉल्ड बाइजेंटियम। ओके, इट सराउंडेड ऑन 3 साइड्स ऑफ द सी, जैसे नई कैपिटल बनी ओके वहाँ पर नई गवर्निंग क्लास वगैरह आई। मॉनेटरी स्टेबिलिटी इस समय बहुत थी, फाइनेंशियली लोग बहुत स्टेबल थे, ट्रेड वाइज बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ क्योंकि पॉपुलेशन एक्सपेंड हो रही थी एंड मॉनेटरी स्टेबिलिटी थी एंड दिस लेड टू वास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। फिफ्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन सी के और क्या चेंजेस हुए, तो उसी में जो फिफ्थ पॉइंट है वो है कि इन्वेस्टमेंट इन रूरल इस्टेब्लिशमेंट्स। पहले फेज में हम देखते हैं रोमन एम्पायर में डिफरेंट डिफरेंट सिटीज बने, उन सिटीज़ में सारी फैसिलिटीज थी, बट ये लेटर फेज है और यहाँ पर केवल सिटीज़ ही नहीं बल्कि रोमन एम्पायर के अंडर में जो रूरल एरिया था वहाँ पर भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हुआ वहाँ पर। और क्या क्या वहाँ पे लगा, वहाँ पे इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस, मतलब वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाई गई, ऑयल प्रेसेस, ऑयल निकाली, ओलिव जो होता है उससे ऑयल निकलता है तो ओलिव वहाँ पर बहुत ग्रो होता है और ओलिव से ऑयल निकाला जाता था। ओके, एंड ग्लास फैक्ट्रीज, रोमन एम्पायर के समय ग्लास का बहुत ये है और काफ़ी अच्छा ग्लास वो लोग बनाते थे, तो यहाँ पे ग्लास फैक्ट्रीज भी उसमें लगाई गई रूरल एरियाज में। इन न्यूअर टेक्नोलॉजीज सच एज स्क्रू प्रेसेस एंड मल्टीपल वाटर मिल्स, कई सारी वाटर मिल्स, वाटर के फोर्स से चलने वाली मिल्स, इज कॉल्ड वाटर मिल्स। ओके, एंड इन अ रिवाइवल ऑफ अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड विद द ईस्ट, और ईस्ट के साथ वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड वो सब होने लगा। तो ये सब इनोवेशंस हैं, नई चीज़ें हैं और ये इस लेट एंटिक्विटी वाले फेज में हुआ। इसकी शुरुआत बाइजेंटाइन के रूप से शुरू होता है ये, लेकिन इसमें उसके बाद भी जो रूलर्स आते रहे वो रूलर्स भी ये बदलाव करते गए और रोमन एम्पायर अपने एकदम जेनिथ पे, अपने हाइट पर, अपने ऊँचाइयों पर पहुँच पाया इस पीरियड में। ओके, हम इसे गोल्डन एरा कह सकते हैं। ओके, यहाँ पर प्रोस्पैरिटी का ये आइडिया लगा सकते हैं, यहाँ पे जो रूलिंग एलिट्स थे देवर वेल्दियर एंड मोर पावरफुल, वैसे ही बहुत रिच लोग थे, वो बहुत रिच हो चुके थे। अब यहाँ पर इस बात से एग्जांपल एक दिया गया है कि कितना टैक्स आता था रोमन एम्पायर में। ओके, तो केवल इजिप्ट की बात करें, इजिप्ट रोमन एम्पायर का हिस्सा था, पूरा तो नहीं लेकिन इजिप्ट के उस पार्ट से जो टैक्स आता था रोमन एम्पायर में
उसको हम देखते हैं कि कितना टैक्स रोमन एम्पायर में इजिप्ट का था, केवल इजिप्ट का। फॉर एग्जाम्पल, इजिप्ट कंट्रीब्यूटेड टैक्सेस ऑफ ओवर 2.5 मिलियन, 2.5 मिलियन हो गया 25 लाख। सो 25 लाख सॉलिडी अ ईयर, और एक सॉलिडी ईयर 4.5 ग्राम। और कितने सॉलिडी वो टैक्स देता था? 2.5 मिलियन, 25 लाख, 25 लाख सॉलिडी गोल्ड कॉइन, वो जो कि खुद अपने आप में 1.4 ग्राम का है। इसका अगर वेट निकाला जाए तो ये होता है 35,000 pounds ऑफ गोल्ड। तो 35,000 pounds ऑफ गोल्ड केवल इजिप्ट एक साल में रोमन एम्पायर को टैक्स देता था। सो यू कैन इमेजिन कि किस हद तक रोमन एम्पायर में प्रॉस्पेरिटी रही होगी, स्पेशली इस पीरियड की हम बात करें तो लेट एंटिक्विटी। ओके, सो दीज वर द डेवलपमेंट्स दैट वर टेकिंग प्लेस एंड दे वर कल्चरल डेवलपमेंट्स ऑल्सो। नाउ इस बैकग्राउंड में देखें, जहाँ पर सिक्योर्ड है एम्पायर, कोई थ्रेट नहीं है बाहर से, बहुत मिलिट्री बहुत पावरफुल है, इकोनॉमिकली सब कुछ सही है, ऐसे में ही कल्चरल डेवलपमेंट हो पाता है। क्योंकि कल्चरल डेवलपमेंट ऑल्सो रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, एंड जब बाकी चीज़ों से लोग फ्री होंगे तभी तो कल्चरल डेवलपमेंट होगा। इस कल्चरल डेवलपमेंट की अगर हम देखें तो यहाँ पर शुरुआत में देखें तो ट्रेडिशनल रोमन एम्पायर मोनो पॉलीथिस्ट था। पॉलीथिस्ट का मतलब ये है कि वहाँ पर कई गॉड्स एंड गॉडेसेस को लोग मानते थे। ओके, लाइक हम देखें तो इसमें ग्रीक एंड रोमन में पॉलीथिस्ट थे। अगर उनके गॉड्स के अगर जो नाम हम देखें तो लाइक जुपिटर, जूनो, मिनर्वा एंड मार्स, ये उनके गॉड्स हुआ करते थे। एज वेल एज न्यूमरस ग्रीक एंड ईस्टर्न डेटीज वर्शिप्ड इन थाउजेंड्स ऑफ टेम्पल्स। तो लोग अलग अलग भगवानों को, अलग अलग शक्तियों को, उनको पूजा करते थे। ओके, कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन, कोई एक पर्टिकुलर गॉड, जैसे जिसे हम मोनोथीस्ट कहते हैं, जहाँ पे एक सिंगल गॉड होते हैं, ऐसा कल्चर नहीं था रोमन एम्पायर में अर्ली पीरियड में। बट कॉन्स्टेंटिन के आने के बाद, 4th century में जब कॉन्स्टेंटिन रूलर हुए और उनके आने के बाद ये बदला, और कॉन्स्टेंटिन ने क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन बना दिया, स्टेट रिलीजन बना दिया, और सभी लोगों को ये फॉलो करना था। और क्रिश्चियनिटी पॉलीथिस्ट नहीं है, वहाँ पर कई सारे गॉड्स नहीं हैं, सिंगल गॉड है जीसस क्राइस्ट, इसीलिए वो मोनोथीस्ट है। तो कल्चर में जो हम बदलाव देखें तो ये है कि रोमन एम्पायर पॉलीथीस्ट से मोनोथीस्ट हुआ इस पीरियड में। पॉलीथीस्ट हैड नो कॉमन नेम और लेबल टू डिस्क्राइब देमसेल्व्स। द अदर ग्रेट रिलीजियस ट्रेडिशंस इन द एम्पायर वाज जुडाइज्म। उस समय एक और जो था जुडाइज्म, जिसके फॉलोअर्स ज्यूज होते हैं, ये लोग भी थे, लेकिन जुडाइज्म अपने आप में भी मोनोथीस्ट नहीं है, वो भी कई अलग अलग उनको पूजा करते हैं। वो तो जुडाइज्म था एंड बाद में उसकी क्रिश्चियनिटी आई है। बट जुडाइज्म वॉज नॉट अ मोनोलिथ एंड देर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ डाइवर्सिटी विद इन द ज्यूज कम्युनिटीज ऑफ लेट एंटीक्विटी। दस क्रिश्चियनाइजेशन, जो नया फेज जो आता है, जो बदलाव आया, वो क्रिश्चियनाइजेशन, क्रिश्चियनाइजेशन का मतलब है क्रिश्चियन धर्म को जब प्रमोट करना शुरू कर दिया, हर जगह क्रिश्चियनिटी की बात होने लगी, हर जगह चर्चेज बनने शुरू हो गए, और गवर्नमेंट खर्चा करने लगी इस रिलीजन को फैलाने में और बढ़ाने में। ओके, उसको हम क्रिश्चियनाइजेशन कहेंगे। और द एम्पायर इन द 4th and 5th centuries वॉज अ ग्रेजुअल एंड कम्प्लेक्स प्रोसेस। पॉलीथिसिज्म डिड नॉट डिसअपियर ओवरनाइट। इसका मतलब ये नहीं है कि पुराना जो सिस्टम था वो तुरंत ख़त्म हो गया, वो भी बना रहा। बट क्रिश्चियन बिशप्स दे वेज्ड अ रनिंग बैटल अगेंस्ट बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस दे कंडेम्ड मोर देन द क्रिश्चियन लेटी। ओके, तो एक कल्चर, इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे एंड लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न टुडे। अगर इसमें हम देखें तो लेट एंटीक्विटी क्या है? लेट एंटीक्विटी रोमन एम्पायर का वो आखिरी फेज है, आखिरी दौर है, जहाँ पर रोमन एम्पायर ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। इसकी शुरुआत अगर हम माने तो डायक्लोटियन रूलर जो था, जो 285 CE में जिसका रूल स्टार्ट होता है, उसके आने से मानेंगे। और उसी ने कई सारे चेंजेस की, वो चेंजेस हमने जाने, जैसे कि उसने उन टेरिटरीज को रोमन एम्पायर से बाहर कर दिया जिससे कि बहुत ज़्यादा कमाई नहीं हो रही थी, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस जिनकी नहीं थी। सेकेंड,
उसने बॉर्डर्स जो फ्रंटियर्स थे उनको फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया, प्रोटेक्शन लगाना, वॉल बनाना, फोर्ट्स बनाना, वो उसी के दौर में हुआ। थर्ड हम देखते हैं दैट ही सेपरेटेड सिविलियंस इन इंटरफेयरिंग विद मिलिट्री अफेयर्स एंड मिलिट्री में इसे आज़ाद कर दिया, मिलिट्री के कमांडर सब फ्री थे, वो अपने डिसीजन खुद ले सकते थे, मिलिट्री अब और पावरफुल हो गई। फोर्थ अगर हम देखें तो उसने एक गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस किया जिसे सॉलिटी कहेंगे, ये 4.5 ग्राम का गोल्ड कॉइन था और ये बहुत लाखों की संख्या में ये मिंट किए गए। उस समय इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी, ईस्टर्न जो वर्ल्ड था वहाँ से ट्रेड फिर से इस्टेब्लिश किया गया, ओके, एंड देवर अ न्यू कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल वो भी बनाई गई जहाँ पे पहले बाइजेंटियम था और आज की डेट में इस्तांबुल है टर्की में। तो ये कुछ इनोवेशन हुए। इस्टेब्लिशमेंट जो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स है रूरल एरियाज में भी इन्वेस्टमेंट किया गया वहाँ पर, वहाँ पे ऑयल प्रेसेस ऑयल निकालने के लिए जो मशीनें हैं जो इंडस्ट्रीज हैं वो लगाई गई, ग्लास फैक्ट्रीज लगाई गई वहाँ पर, एंड नई टेक्नोलॉजी जैसे कि मल्टीपल वाटर मिल्स वगैरह ये सब यूज़ होने लगे, ओके। जो रूलिंग क्लास है वो बहुत वेल्दी होने लगी, आम जनता तो होने ही लगी, और यहाँ हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि रोमन एम्पायर कितना तरक्की कर चुका था कि केवल इजिप्ट से ही 35,000 pounds ऑफ गोल्ड एक साल में टैक्स आता था, ओके। अब इस सब बैकग्राउंड में फिर कल्चर का भी हुआ, कल्चर में आता है आपका लैंग्वेज, फूड, क्लोथ्स, रिलीजन, तो वो सब हम देखेंगे। तो यहाँ पर रिलीजन में बदलाव आया, पहले जो रिलीजन थे वो पोलोथीस्ट थे, कई भगवानों को मानना, कई शक्तियों को पूजना, उसमें उनके कई सारे गॉड्स हुआ करते थे लाइक मिनर्वा, जुपिटर, मार्स, ओके। बाद में कॉन्स्टेंटिन ने आकर चेंज कर दिया और क्रिश्चियनिटी को एक स्टेट रिलीजन बना दिया। ये जो सेकेंड फेज है जहाँ पे कल्चरल उनका एक तरीके से रिवोल्यूशन हुआ और कल्चर में बहुत तरक्की की रोमन एम्पायर में, इसको हम एक और क्लास में इसको पढ़ेंगे एंड देन आई थिंक दिस चैप्टर विल बी ओवर। इसमें कई सारे डिटेल्स हैं तो वी विल नॉट कंप्लीट इन दिस क्लास, वी कंप्लीट दैट इन दी नेक्स्ट क्लास। सो दैट्स ऑल इन दिस क्लास, वी लर्न अबाउट लेट एंटीक्विटी, एक इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट फेज था रोमन एम्पायर का, उसके बारे में आज हम बताएंगे। Thank you, that's all of this part.